दोस्तों आज का पहला तीतर मैच हमारा अल्ट्रा मेगा क्लीन सिप हो चुका है। सुबह का वुमेन्स मैच भी हमारा अल्ट्रा मेगा क्लीन सिप हो चुका है। सुबह का जो विजय हजारे सीरीज का पहला फाइनल मैच था वो भी हमारा अल्ट्रा क्लीन सिप की ओर बढ़ चुका है। तो आज की इस वीडियो को ना बात करने वाले हॉक वर्सेस यहाँ से कैटालोनिया टाइगर्स के बीच होने वाले आज के तीसरे ईसीएस सीतन बार्सिलोना मैच के बारे में एक बार फिर से एक एक प्ले का पूरा पूरा एनालिसिस बताऊंगा। कौन किस नंबर पर बल्लेबाजी खिलाएगा, कौन कितने ओवर बॉलिंग करके देने वाला है, इस मैच के आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग इलेवन क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, दो से तीन रिस्की प्ले के बारे में बात करेंगे जिसके दम को आप इजीली इस मैच में ग्रैंड लीग वन कर सकते हो, स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, कौन सी टीम में जीत सकती है, सभी चीजों को वन बाय वन बात करेंगे। बस अगर आप हमारे चैनल को पर नए आए हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके लिए फ्री का लाल बटन है, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। उसके अलावा अगर आपको टॉस हो जाने का, लाइनअप पास जाने का, हमारी खुद की फाइनल टीम से हो, जिस भी टीम से मैं खुद इस मैच के पैसे लगाऊंगा वही टीम आखिरी के पांच मिनट में स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम सर को आपको फ्री में फाइनल टीम शेयर कर दूंगा, ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। टेलीग्राम सर का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स सबसे ऊपर पिन किया हुआ देखने मिल जाएगा, ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, यानी कि मैं आपके पास लिंक भेज दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है। यकीन मानो अगर आपका यह प्रेडिक्शन सही हो गया ना तो 70% कॉन्टेस्ट समय से ही ऑन कर सकते हो। एचएडब्ल्यू की टीम ने आखिरी के अपने पांच मैचेस खेले ना, पांच मैच से आपने देखा पांच के पांचों मैचेस हार करके रही है, बाकी ये नहीं है कि बहुत कमजोर टीम है, इस समय परफॉर्मेंस करके नहीं दे पा रहे इनके प्लेयर्स। कैटालोनिया टाइगर्स की टीम ने आखिरी अपने पांच मैचेस खेले ना, पांच के पांचों मैचेस जीत करके आ रही, तो मैं आपको ये कहूंगा कैटालोनिया टाइगर्स के प्लेयर्स को हम पूरा फोकस करके टीम बनाने की कोशिश करने वाले, 7 और 4 का कॉम्बिनेशन या फिर 6 और 5 का कॉम्बिनेशन लेकर के चलने वाले। आगे बात कर लेते हैं इस मैच के पिच रिपोर्ट के बारे में, जो कि ग्रैंड लीग के यूजर्स के लिए बहुत जरूरी है। जो मैच होने वाला है ये होने वाला बार्सिलोना के स्टेडियम के ऊपर, यहां पे आखिरी के पांच मैचेस में आपको 99 रन के करीब का एवरेज स्कोर देखने को मिला हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलने वाला। अगर कैटालोनिया की टीम पहले बल्लेबाजी करी है तो मुझे लगता है 120 के करीब का स्कोर बनाएगी, वहीं अगर एचएडब्ल्यू यानी कि हॉक्स की टीम पहले बल्लेबाजी करी है तो 90 के करीब का स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। बात करें एक एक प्लेयर के एनालिसिस पे तो सबसे पहले टी इलियास, जिसने कल के पहले मैच कुबेरा के डीओ पिक में हमें विनिंग कराने में मदद किया हुआ था, बल्लेबाजी में इस समय जो इसको प्रमोट किया जा रहा है और बल्लेबाजी में ओपनिंग कराया जा रहा है और हर मैच आपको रन बना करके भी दे रहा है और इस समय ऐसा विकेट कीपर भी खेलते हुए कई मैचेस में नजर आ रहा है। आखिरी मैच आप देख सकते हो यहाँ पे 71 पॉइंट्स ला करके गया हुआ ना, आप सोच रहे हो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके दिया, लेकिन नहीं, 42 जो इसको पॉइंट्स मिले हुए ना वो कैच से मिले हुए, कैचेस से और उसके बाद स्टंपिंग से, यानी कि ऐसा विकेट कीपर भी आपको कैचेस पकड़ के एडवांटेज दिला करके जा सकता है, यही रीजन है कि कैच भी कर सकता है ऐसा विकेट कीपर, यही रीजन है कि मैं ती यहाँ से इलियास को लेकर के जा रहा हूँ। बाकी अवेश अहमद, जिसने पहले दो मैचेस में बल्लेबाज को ओपनिंग करके ओपन आकर के काफी लंबी लंबी पारियां खेल के दिया, लेकिन उसके बाद यहां भी फ्लॉप, रीजन क्या था ना, अब इसका बल्लेबाजी क्रम बहुत नीचे कर दिया गया, अब इसका बल्लेबाजी क्रम 4 नंबर पे कर दिया गया, यही रीजन है कि मैं इसको लेकर के नहीं चल रहा हूं। और विकेट कीपिंग भी थी इलियास कर रहा है, के जिया जो कि समय हॉक की टीम कोर से कैबेसी कर रहा है, बल्लेबाजी में आपको 4 नंबर पे दिख जा रहा है, हर बॉल पे छक्के चौके मारने वाला प्लेयर है, लेकिन उतना ज्यादा परफॉर्मेंस करके दे नहीं पाएगा क्योंकि सामने बहुत बड़ी टीम है और कई मैचेस में ओपनिंग भी कर रहा है, कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ज्यादातर मैचेस के आखिरी के मैचेस में ओपनिंग ही कर रहा है। बात करें बल्लेबाजी ऑप्शन है तो नंबर 1 प्लेयर अपने रहेगा जैन असलम बीबी, जो कि आपको बल्लेबाजी में भी ओपनिंग कर रहा है, प्लस आपको बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा करेगा, 1 ओवर आखिरी के उसमें बॉलिंग करेगा यानी कि 9वां और 10वें में से, और 1 ओवर आपको 7 और 8 में से कोई 1 ओवर बॉलिंग करते हुए नजर आएगा, यानी कि आखिरी के ओवर्स में ही बॉलिंग करेगा, तो जरूरी प्लेयर रहेगा क्योंकि बल्लेबाजी में भी ओपनिंग करेगा, बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा करके देने वाला है। उसके बाद यहाँ से मैं लेकर के चलूंगा, देखो मोहम्मद उस्मान की बात करूँ तो ये भी आपको बॉलिंग से आखिरी के दोनों मैचेस में 2-2 ओवर बॉलिंग पूरा करके दे रहा है और बल्लेबाजी में ये आपको 7 नंबर करीब नजर आएगा, बल्लेबाजी से आपको इससे उम्मीदें नहीं करनी है, ऐसा बॉलर लेकर के चल रहा हूं। मुस्तफर इकबाल को आखिरी के मैचेस में प्लेइंग 11 में खिलाया नहीं गया, अगर ये खेल रहा होगा ना तो मैं जरूर लेकर के चलूंगा क्योंकि ये दोनों के अलावा कोई भी अच्छा प्लेयर है ही नहीं। अगर आप देखोगे एम इकबाल को खिलाया नहीं जा रहा है, एम बिलाल को खिलाया नहीं जा रहा है, सिर्फ एक ही प्लेयर है जो कि यहां से खेल रहा है जिसका नाम आपको यहां से देखने को मिलेगा, ए जावीद, जो कि बल्लेबाजी में भले ही 3रे पे आए, भले ही 5वें पे आए, भले ही 9वें पे आए, कहीं पर भी परफॉर्मेंस करके दे नहीं पा रहा है, बाकी प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन परफॉर्मेंस अभी तक करके दिया नहीं है। अभी मजबूरी में मैं यहां से जावेद लेकर के चल रहा हूं, मान लो कि अगर एम इकबाल और एम बिलाल में से कोई भी अगर खेल रहा होगा ना
कोई भी अगर प्लेइंग 11 में दिख जाए तो बिना कुछ सोचे जावेद को निकाल करके इन दोनों से जो भी खेल रहा होगा उसको लेकर के चल लूंगा। बात करें अपने ऑलराउंडिंग ऑप्शन है तो नंबर वन प्लेयर यसीर अली, जो कि बल्लेबाजी में भी ओपनिंग के लिए आ रहा है, प्लस आपको बॉलिंग से भी दो ओवर पूरा करके दे रहा है। अक्सर देखा जा रहा है कि पहले तीन मैच में इसको एक ही ओवर बॉलिंग मिल रहा है, और देखो कल के भी पहले मैच में एक ही ओवर बॉलिंग मिला लेकिन दूसरे मैच में दो ओवर बॉलिंग पूरा मिला। उससे पहले यहाँ पे भी दो ओवर बॉलिंग पूरा मिला लेकिन पहले मैच में सिर्फ एक ओवर बॉलिंग मिला। इससे पहले भी आपने देखा था हर मैच इसको दो दो ओवर बॉलिंग पूरा मिल रहा था। जरूरी प्लेयर रहने वाला यसीर अली, जो कि बल्लेबाजी में हर बॉल पे छक्के चौके मारने वाला प्लेयर है। मैं आपको कहूंगा अगर आप इस मैच के अंदर केमिस्ट्री वाइज केमिस्ट्री के बारे में सोच रहे हो ना, चाहे आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो या फिर जीएल की टीम बना रहे हो, 10 टीम बना रहे हो, 100 टीम बना रहे हो, लाखों लोगों के बीच में खेल रहे हो, 2-3-4 मेंबर्स के बीच में क्यों ना खेल रहे हो, यही दोनों प्लेयर्स आपके लिए नंबर वन चॉइस रहेंगे कैपेसिटी वाइज कैपेसिटी के लिए। क्योंकि यसीर अली बल्लेबाजी में ओपनिंग करेगा प्लस बॉलिंग से भी एक से दो ओवर करेगा। मान लो अगर एक ही ओवर बॉलिंग करेगा ना तो वो भी आपको 10वां ओवर बॉलिंग करके देगा, यानी कि आखिरी के ओवर्स में ही यसीर अली बॉलिंग करके देगा और आखिरी के ओवर्स में विकेट जरूर मिल जाते हैं। उसके वसीम अब्बास बल्लेबाजी में भी तीसरे पे आ जाएगा, प्लस बॉलिंग से भी आपको दो ओवर बॉलिंग पूरा करके देगा, दूसरा ओवर और चौथा ओवर बॉलिंग करके देगा, यानी कि बॉलिंग से ओपन अटैक करेगा, शुरू के ओवर में बॉलिंग करेगा। वसीम अब्बास का भी आप रिकॉर्ड जरा देखो, हर बार हर मैच के अंदर इसका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा हाई लेवल का आपको देखने को मिला हुआ है। कोई भी सीजन में ऐसा मैच गया नहीं जहां पे वसीम अब्बास या फिर यसीर अली में से कोई फ्लॉप गया हो। यही रीजन है कि कैटालोनिया की टीम हर मैच जीत जा रही है। आगे के प्लेस की बात करूंगा, उससे पहले देखो ये जो मैं आपको टीम बना के दिखा रहा हूँ ना, ये एक इनिशियल टीम है जो कि टॉस होने से पहले की टीम है। टॉस होने का लाइनअप आने का जो भी हमारी खुद की फाइनल टीम होगी, जिसमें एक दो चेंजेस हो जाते हैं हमेशा ही, तो उसका जो भी फाइनल टीम वो मैं इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए आखिर के 5 मिनट में अपने टेलीग्राम सर को आपको फ्री में फाइनल टीम शेयर कर दूंगा, जिस टीम से आप भी खेल सकते हो। करना आपको कुछ भी नहीं है, आप जिस भी वीडियो को देख रहे हो उसके टाइटल को आप क्लिक करोगे या फिर टच करोगे तो सीधे सीधे आप डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे। सबसे ऊपर आपको हमारे टेलीग्राम सर का लिंक देखने को मिल जाएगा, इस लिंक पर क्लिक करके आप अभी का भी हमारे टेलीग्राम सर को फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन में जाना, सबसे पहला जो आपको कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें भी आपको हमारे टेलीग्राम सर का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो ज्वाइन जरूर लेना, क्योंकि यहीं पे मैं अपनी खुद की फाइनल टीम से करके दूंगा, जिस भी टीम से मैं खुद इस मैच के अंदर पैसे लगाने वाला हूं। और आगे आने वाले मैचेस का भी आपको यहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। उसके बाद अमीर हमजा, जो कि हर मैच में दो ओवर बॉलिंग भी पूरा करके दे रहा है, बल्लेबाजी में भी तीसरे चौथे नंबर पे आ जा रहा है, यानी कि आपको रन्स भी बना करके दे सकते हैं। शुरू के मैचेस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया, पहले मैच में 3 विकेट, उसके बाद बल्लेबाजी से 36 रन, दूसरे मैच में लेकिन उसके बाद हर मैच में फ्लॉप हुआ, लेकिन आखिरी मैच में फिर से फॉर्म में नजर आया, तो मैं लेकर के चलने वाला हूँ। उसके बाद एम सोहेल को लेकर के चलूंगा, जो कि बॉलिंग से भी दो ओवर पूरा करेगा, बल्लेबाजी में भी आपको तीसरे नंबर पर नजर आ जाएगा, यानी कि ऐसा ऑलराउंडर इस समय खेल रहा है, तो एम सोहेल भी आपके लिए जरूरी प्लेयर रहने वाला है। बाकी इसके अलावा आप एक ही को लेकर के चल सकते हो, जिसका नाम आपके यहां से देखो लेगा एस यूसुफ, लेकिन एस यूसुफ ने आखिरी मैच में भी एक ही ओवर बॉलिंग किया, उससे पहले भी एक ही ओवर बॉलिंग किया, दो मैचेस में लाइन से एक ही ओवर बॉलिंग किया, लेकिन उससे पहले जब इसको बॉलिंग करने का मौका मिला था यहां पे हमें अपने दम को मेगा क्लीन स्वीप कराया हुआ था, जहां पे किसी ने भी नहीं रखा था और वहां पे 3 विकेट लेकर के गया हुआ था। एक बार फिर से मैं कहूंगा, आप अपनी जीएल की टीम में लाखों लोगों के बीच में खेल रहे हो ना, तो सामने की टीम कमजोर टीम है तो एस यूसुफ वहां पे अच्छी बॉलिंग करके दे सकता है। उसके लिए आप अमीर हमजा को अपनी 2 से 3 जीएल की टीम से निकाल लेना, एम सोहेल को एक जीएल की टीम से निकाल करके एस यूसुफ को 3-4 जीएल की टीम में रख सकते हो। बॉलिंग ऑप्शन बात की तो नंबर वन चॉइस देखो मोहम्मद आसिफ, जो कि बॉलिंग से ओपन अटैक करेगा, पहला ओवर और तीसरा ओवर बॉलिंग से दो ओवर पूरा करेगा, और इस समय कैटालोनिया की टीम का सबसे मेन बॉलर है, मिनिमम 1 विकेट तो लेकर के जाएगा ही जाएगा, तो लेकर के जरूर चलना है। अब इसका जी दस्तगीर, जो कि इस समय कैटालोनिया की टीम ओर से कैपेसिटी कर रहा है, आखिरी मैच से 2 ओवर बॉलिंग करके इसको 2 विकेट भी मिले, लेकिन उससे पहले इसको खिलाया नहीं गया था, और अगर ये खेलेगा तो जरूर लेकर के चलूंगा। एस औकात की बात करो, हर मैच से 2 ओवर बॉलिंग पूरा करके दे रहा है और इसको हर मैच से विकेट भी मिल जा रहा है, तो मैं इसको भी लेकर के चलूंगा। सावकात बल्लेबाजी में भी 6 रनों पे आ जाएगा, आपको 10-15 रन बना करके भी दे सकता है। एमयू मुगल को आखिरी मैच में खिलाया नहीं गया, उससे पहले जब खिलाया गया था अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया था, बाकी आखिरी मैच में खिलाया नहीं गया, मुझे नहीं लगता खिलाया जाएगा। जी सरवार, जब आखिरी मैच यहाँ से जी दस्तगीर को खिलाया गया ना, जी दस्तगीर को जब खिलाया गया ये आपको देखने मिला, तब वहाँ पे देखने मिला कि जी सरवार को सिर्फ 1 ओवर बॉलिंग करने का मौका मिला। यही रीज़न है कि मैं अभी इसको लेकर के नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि आखिरी मैच 1 ओवर बॉलिंग किया, उससे पहले अपने कैपेसिटी के अंदर 2 ओवर बॉलिंग पूरा करके कुछ ज़्यादा खास कर भी नहीं पाए, सिर्फ 1 ही विकेट लेकर के दिया हुआ है। तो जी यहाँ से सरवार और एमयू मुगल, इन दोनों से अगर कोई भी एक ही खेलेगा, जो भी खेलेगा उसको आप अपनी ग्रह लिखती में यूज़ करके चल लेना। एम सनउल्लाह की बात करो, आखिरी के मैचेस में बॉलिंग करने का मौका मिल नहीं रहा है, और बॉलिंग कर भी रहे तो 1 ही ओवर बॉलिंग कर रहे, तो इसके लेने का कोई ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं अपने केवीसी के बारे में, जो कि एक स्मॉल लीग टीम के लिए बहुत जरूरी है, मैं किसको बनाऊंगा उसकी आगे बात करेंगे। उससे पहले देखो
मैं अपने पूरे पैसे जो है ना इस मैच के अंदर 11 चैलेंजर्स पे लगाने वाला हूँ। 11 चैलेंजर्स ऐप का फैंटेसी ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो अभी का भी आप वहाँ पे डाउनलोड करके मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हो। रीजन यहाँ पर आपको फैंटेसी के जितने भी एप्लीकेशन है सबसे ज्यादा आपको लो एंट्री फीस देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेरे कहने पर बस एक बार आपने 1000 रुपये लगाओ, बिना हारी आपके 100 रुपये बचा लोगे सिर्फ सिर्फ एंट्री फीस के रुपये। उसके भी ऊपर से आपको 4 से 15% के बीच बोनस के भी पैसे को यूज करने को मिलेगा। 11 चैलेंजर्स ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो अभी का भी वहाँ से डाउनलोड करके मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हो। मैं भी इस मैच के अंदर अपने पूरे पैसे जो है ना 11 चैलेंजर्स पे लगाने वाला, तो अभी ज्यादा यहीं पे खेला आपके जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। मैं भी तुम्हें कैप लेकर के चलने वाला हूँ, जिसका नाम देखने को मिलेगा यसीर अली, और वीसी लेकर के चलूंगा वसीम अब्बास को। आप चाहो तो इसको इंटरचेंज करके भी चल सकते हो। उम्मीद है दोस्तों कैप का पूरा एनालिसिस बता दिया, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना। तो जाने का लाइन पास जाने का हमारी खुद की फाइनल टीम से हो तलीग्राम सर को ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स सबसे ऊपर पिन किया हुआ देखने को मिल जाएगा। नाम मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा।